नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे परीक्षा के बारे में, जो आपकी 4 सितंबर को होगी और आपको जो एडमिट कार्ड है 31 अगस्त को जारी होंगे। तो इसमें क्या है, ज़्यादा देर नहीं होगी क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको पता होगा केरला रीजन का जो कैंडिडेट थे उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो उनके लिए अपडेट है। और ये ऑफिशियल अपडेट है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया है, 23 अगस्त का ये अपडेट है। तो चलो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम डेट आती है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। हम ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे और आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे की पे। तो दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे की। तो इसमें हम चलते हैं, जो रांची लिखा है इस जोन में हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, उसमें आपको यहाँ देखना है, ये नोटिस है, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ खुलेगा, तो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब 23/8/2018, मतलब आज का ये पब्लिश हुआ नोटिस है, नोटिस ऑन फर्स्ट सीबीटी। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। चलो, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ऑन 4/9/2018, मतलब 4 सितंबर 2018। तो दोस्तों, अच्छी बात है, ग्रुप डी वालों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जल्दी हो गई इनकी परीक्षा। क्योंकि अगर ये जितना डिले होता उतना ग्रुप डी की परीक्षा में भी डिले होता। ये देखिए, फर्स्ट से सीबीटी ऑफ कैंडिडेट हुज एग्जामिनेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ऑन 9 अगस्त 2018। तो जो कैंडिडेट थे केरला के, जिनका एग्ज़ाम 9 अगस्त का था, वो कैंसिल हो गया है, तो उनका जो शेड्यूल कर दिया गया है एग्ज़ाम 4 सितंबर को, तो उनका एग्ज़ाम जो है 4 सितंबर को होगा, ठीक है। तो इसके लिए SMS और ईमेल हालांकि भेज दिए गए हैं उन कैंडिडेट्स को, उनके एग्ज़ाम सिटी और शिफ्ट के बारे में, और इको लेटर जो आपके हैं वो 31 अगस्त को डाउनलोड हो जाएंगे। तो 4 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है जिन कैंडिडेट का कैंसिल हुआ था, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा 31 अगस्त को, ठीक है, जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ और बताई गई है, जैसे जो ये कैंडिडेट हैं ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो इन्हें किसी चीज़ की जैसे टिकट वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट है 23/8/2018। तो उसमें क्या है, फ्री ट्रैवल के लिए जो अथॉरिटी होगी वो उन्हीं के साथ, जो जैसे एग्ज़ाम सिटी डेट और शिफ्ट बताई जाएगी, उन्हीं के साथ आपको अथॉरिटी दे दी जाएगी, आप उसके लिए फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक टाइप से अच्छी खबर लगा लीजिए, क्योंकि जैसे क्या है, अब ये जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट्स के ये खबर बेकार भी लग सकती है, क्योंकि वो सोच रहे हो कि उन्हें और ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और आपके एक शेयर से क्या पता एक आध कैंडिडेट की हेल्प हो सके, जिन कैंडिडेट के पास SMS या ईमेल नहीं पहुँचा हो तो अपनी परीक्षा दे पाएँ, उन्हें इस डेट का पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।